So hi girls, have a good day. This is a Gaurav Mann, your biology teacher. And today I am going to tell you about the double fertilization. Today I am going to tell you about the double fertilization. What is it? Where is it? And in which way it is? Okay? Chapter number plus reproduction, okay? 10th class biology, okay? Topic double fertilization, okay? जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन जब आप कहते हो कि फीमेल एंड मेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जब मेल एंड और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट में जायगोट बनता है, ठीक है, उसको आप कहते हो फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हमारे पास एनिमल्स भी हो रही होती है, ह्यूमन भी हो रही होती है, प्लांट्स भी हो रही होती है, बट डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशल किस्म की ये फर्टिलाइजेशन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसका करैक्टर है जी, प्लांट्स का करैक्टर है। कौन से प्लांट्स का करैक्टर है? एंजियोस्पर्म का करैक्टर है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन होती है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन का पीछे मैकेनिज्म क्या है, कहाँ से हो रही होती है, किसने हो रही होती है, आप हम देखते हैं। जिसमें कि आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स का पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर आपको बता देते हैं जी, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो आपके पास आ जाती है ओवरी, आ जाती है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। उसके बाद मेल पार्ट आपके पास आ जाता है जी एंथर और फिलामेंट, ठीक हो गई बात। अब आपको पता है पोलिनेशन हो रही होती है, एंथर से पॉलन फ्यूज निकल रहे होते हैं, स्टिग्मा में आ रहे होते हैं, स्टिग्मा से नीचे फ्यूज जाती है थ्रू माइक्रोपाइल्स दी ओवरी, ठीक है, और वहां पे पोलन के ओव्यूल के साथ मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अभी बस अच्छा, जब आप फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हो डबल फर्टिलाइजेशन की, तो उसमें आप हमको सबसे पहले दो चीजों को तो हो कि आपके पास दो फिनोमेना हो रहे होते हैं। एक आपके पास और होता है जी माइक्रो गैमेटोफाइट, ठीक है, माइक्रो गैमेटोफाइट कहां पे हो रही होती है, माइक्रो गैमेटोफाइट यहां पे हो रही होती है इन दी एंथर, ठीक है। एंथर के अंदर जो कि मेल पॉड ऑफ फ्लावर है, एंथर के अंदर मेल माइक्रो गैमेटोफाइट हो रही होती है, और माइक्रो गैमेटोफाइट के रिजल्ट में आपके पास जो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास आ जाता है हमारे पास एंथर, ठीक है, सॉरी पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। अब अगर हम लोग पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देखें, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये पोलन ग्रेन्स के अंदर टू स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, टू स्पर्म न्यूक्लियस, दो स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास पोलन ग्रेन्स के अंदर जो माइक्रो गैमेटोफाइट का नाम दे दिए, ठीक है। लास्ट जब एंजियोस्पर्म में आप देखें तो माइक्रो गैमेटोफाइट के साथ आपके पास बनता है टू स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर होता है आपके पास दो स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। पोलन ग्रेन जो आपको पता है क्या चीज है, मेल गैमेट, क्या चीज है हमारे पास, पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट, और उसी तरह से जो फीमेल गैमेट प्रोसेस के रिजल्ट बनता है वो आपके पास आ जाते हैं जी मेगा गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट को आप लोग एम्ब्रियो सैक भी कहते हो, एम्ब्रियो सैक भी कहते हो, और इसके रिजल्ट में आपके पास मेगा गैमेटोफाइट के रिजल्ट में आपको क्या प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो वो आप लोग कुछ इस तरह से होगा, ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और ये मेगा गैमेटोफाइट कहां पे हो रही होती है, मेगा गैमेटोफाइट इन दी ओवरी ऑफ जो कि आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इन दी ओवरी होती है, उसमें आपके पास मेगा गैमेटोफाइट हो रहा होता है, मेगा गैमेटोफाइट के रिजल्ट में आपके पास फीमेल गैमेट्स बनते हैं जो कहते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेट्स। अच्छा, उसके बाद फीमेल गैमेट्स के अंदर जिस तरह के यहां पे दो स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, फीमेल से गैमेटोफाइट के अंदर आपके पास चार चीजें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आ जाते हैं आपके पास तीन छोटे-छोटे सेल्स होते हैं, इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं क्या चीज, एंटीपोडल सेल्स, ये
जी आगे आपके पास एंटीबॉडीज है सोर्स के पास, आपको आपके पास होते हैं दो सेंटर में दो न्यूक्लियाई होते हैं ठीक है, जिन्हें आप लोग कहते हो पोलर न्यूक्लियस ठीक है। एंटीबॉडी सेल सबसे पहले एम्ब्रियो सैक में ठीक है, उसके बाद पोलर न्यूक्लियस दो पोलर न्यूक्लियस, उसके बाद आपके पास यहाँ पे माइक्रोपाइल वाले एंड में ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड होता है जहाँ से फीमेल गैमेट, जहाँ से मेल गैमेट आता है फीमेल गैमेट से पास स्पर्म स्मॉल पोल जहाँ से ये एंटर होगा, जहाँ से स्पर्म न्यूक्लियस एंटर होते हैं दी एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे एम्ब्रियो सैक में एंटर होते हैं ठीक है। माइक्रोपाइल वाले एंड में आपके पास सबसे पहले सेंटर में आ जाएगा एक बड़ा एक्स सेल ठीक है, उसके बाद एक्स सेल्स को फैसिलिटेट करने के लिए उसके साथ में दो उसके और सेल्स होते हैं जिन्हें लोग कहते हैं साइनर्जिक्स कलेक्टिवली साइनर्जिक्स ठीक है। अब आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन किसके रिजल्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। अब आपने जरा गौर करने हैं स्टूडेंट कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, आपको पता है यहाँ पे माइक्रो हिमेटोफाइट के रिजल्ट में हमारे पास दो स्पर्म न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहे हैं ठीक है। सो फर्स्ट जो पहले जो फर्टिलाइजेशन होगी वो ये होगी कि यहाँ से एक स्पर्म न्यूक्लियस आएगा, मतलब ये माइक्रो हिमेटोफाइट थ्रू यहाँ से और ये जब इंटर होगा जहाँ पे एक पोलर ट्यूब रन होगी ठीक है, तो माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल से होती हुई ठीक है ये ओवरी के अंदर चली जाएगी ठीक है, ये माइक्रोपाइल यहाँ से होती हुई ओवरी के अंदर चली जाएगी ठीक है। जब अंदर जाएगी तो ये जो दो स्पर्म न्यूक्लियस हैं ठीक है, एक स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज करेगा किसके साथ, डबल फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमेनन होगा वो ये होगा कि वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद किसके साथ, वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद एक्स सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक ठीक है, विद एक्स सेल टू फॉर्म जायगोट, उसके रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा, जायगोट बन जाएगा जब ये एक स्पर्म न्यूक्लियस मिलेगा एक्स सेल के साथ, मतलब ये यहां से ये एक स्पर्म मिलेगा किसके साथ एक्सेल के साथ, अपने जेड में क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास जायगोट, इसे आप लोग कहते हो बाद में जो एम्ब्रियो बन जाते हैं ठीक है एम्ब्रियो। और उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड जो दूसरी फर्टिलाइजेशन होगी अब स्पर्म न्यूक्लियस फर्टिलाइज हो रहे हैं तो ये जाएगा ठीक है, एंड अदर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियस ठीक है, ये जो दो पोलर न्यूक्लियस हैं ये होगा दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस इसके साथ जाके फ्यूज होगा और क्या बनाएगा अदर पोलर न्यूक्लियस फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियस टू फॉर्म थ्री एन एंडोस्पर्म, क्या बनाएगा थ्री एन एंडोस्पर्म, ये बना ठीक है, ये गया एक्सेल के पास फर्स्ट पोलर न्यूक्लियस गया एक्सेल के पास, क्या बन गया हमारे पास जायगोट बन गया, सेकंड पोलर न्यूक्लियस गया सेकंड स्पर्म न्यूक्लियस गया पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ हमारे पास क्या बन चीज बन गई जी 3n एंडोस्पर्म ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, यहां पे ये तो जायगोट बन गया, एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, एंडोस्पर्म जो होगा वो जो जायगोट बना है इसको क्या करेगा नरिश करेगा ठीक है, एंडोस्पर्म इसको क्या करेगा जायगोट को फूड प्रोवाइड करेगा ताकि जो इसकी ऐसे जो प्रॉपर ग्रोथ है एम्ब्रियो की वो जारी रहे ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ करेक्टर है किसका एंजियोस्पर्म्स का ठीक है। ये होती है डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें एक पोलर न्यूक्लियस मिलता है एक्स सेल के साथ क्या बन जाता है जायगोट और दूसरा पोलर न्यूक्लियस मिलता है किसका दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस मिलता है पोलर न्यूक्लियस के साथ और क्या बन जाता है हमारे पास 3N एंडोस्पर्म, 3N एंडोस्पर्म जो ये जायगोट बनता है ठीक है एम्ब्रियो उसको क्या करता है नरिश करता है उसको फूड रखता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।